नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 जून 2024 के कैंसल्ड पेपर की एग्ज़ाम डेट एनटीए द्वारा जारी कर दी गई है। 28 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम साइकिल में आधारित होगा, जो कि 21 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 के बीच में संपन्न कराया जाएगा। और इस बार एग्ज़ाम पहले की तरह कई साइकिल में होते हुए ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 18 जून को ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर एक नया परिवर्तन आप देख रहे हैं। नोटिस जब आई हुई है 28 जून 2024 को, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 55 से 70 दिनों का मौका हमें दोबारा मिला हुआ है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आपकी तैयारी पहले कमज़ोर लग रही होगी, तो आपको अच्छा मौका मिला है यहाँ पर। अच्छे से तैयारी करके आप 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में जब दोबारा से आपका सब्जेक्ट शेड्यूल आएगा, तो उसके आधार पर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा। और बहुत पहले ही एनटीए ने ये नोटिस निकाल कर आपको अलर्ट कर दिया है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार अच्छे से एग्ज़ाम होगा, बिना किसी दुविधा के विद्यार्थी परीक्षार्थी इस एग्ज़ाम में जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि एकदम से पारदर्शी ढंग से एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 को लेकर आपके तैयारी को कराया जाता है, ख़ासतौर से जिसमें कि हिंदी साहित्य मेन है। तो इसकी तैयारी के लिए चैनल पर जितने भी शॉर्ट वीडियो हैं, मैराथन क्लास हैं, एमसीक्यू हैं, उनको आप अपने टाइम टेबल के अनुसार देखते रहिए। और आगे हम इस बार के पेपर के आधार पर प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर होते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम तक उसी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ और लगन के साथ इस एग्ज़ाम में जाएं, जैसे लगे ही नहीं कि बीच में कोई घटनाक्रम हुआ था। तो एक बार फिर से आपको कमर कस कर इस एग्ज़ाम में जाना है। ध्यान में रखना है कि इस बार का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होगा, तो इसलिए किसी भी परीक्षार्थी के मन मस्तिष्क में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, जैसा कि 18 जून के पहले होता आ रहा था। और एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि इसमें कई दिन है, लगभग 15 दिनों तक ये एग्ज़ाम चलने की संभावना है, और कई साइकिल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नोटिस आई हुई थी, कई विद्यार्थियों ने अलग अलग सोशल मीडिया में इस नोटिस को देखा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर सिग्नेचर हुआ करता था, तो इसकी प्रामाणिकता ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार बिना सिग्नेचर की ही ये नोटिस आई हुई है। हमने भी इसको कंफर्म करने के लिए एनटीए की वेबसाइट विजिट की, तो वहाँ पर ये नोटिस लगाई गई थी, यानी कि ये नोटिस एकदम से ओरिजिनल है, उसकी वेबसाइट से ही इसको लिया गया है। तो ध्यान में रखिए कि जिस तिथि को लेकर आप लोग इंतज़ार में थे, वो तिथि आ गई है। 21 अगस्त यानी 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन मोड पर होगा। तो आप हिंदी साहित्य की तैयारी लगातार करते रहिए, और जो भी चैनल पर चीज़ें उपलब्ध हैं उनका उपयोग कीजिए। आगे हम आपकी तैयारी को लेकर उसी प्रतिबद्धता के साथ दोबारा से जुड़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।